Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 released Hollywood mystery thriller के बारे में जिसका नाम है Foreign Exchange. ये कहानी स्टार्ट होती है एना नाम के एक यंग लेडी के साथ जो बार में बैठकर पढ़ाई कर रही थी. स्ट्रेंज ना, उसके इसी बात से अट्रैक्ट होकर एक केविन नाम का लड़का उसे अप्रोच करता है, उसके और उसके दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करने के लिए भी कहता है, मगर एना मना कर देती है, जबकि वो खुद भी काफी देर से केविन को चेकआउट कर रही थी. फिर भी असल में रीजन केविन नहीं था, उसके एक दोस्त थी, एक लड़की. एना ने नोटिस किया है जब से वो यहाँ आई है वो लड़की बार बार उसकी तरफ देख रही है. इट्स काइंड ऑफ ऑड. एना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मतलब इसीलिए वो केविन को मना कर देती है. कुछ देर बाद उसका काम खत्म हो जाता है तो वो बार से निकलकर अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगती है. रास्ता काफी सुनसान था जिसका फायदा लेकर एक आदमी उसे फॉलो करने लगता है. बहुत डर जाती है एना, भागने लगती है और हड़बड़ी में किसी से टकरा जाती है. ये वही लड़की थी जिसे एना अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी इस सिचुएशन में वो ही उसकी मदद करती है. चिल्ला चिल्ला कर उस स्टॉकर को पुलिस के नाम से डराती है और वो भाग भी जाता है. असल में एना एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, इस शहर में नहीं है वो, इसीलिए वो थोड़ा डर गई थी. ये नई लड़की अपना नाम मोनिका बताती है और उसे घर छोड़ने के साथ साथ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर देती है कि वो एना को देख रही थी, इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं था. एक्चुअली एना का चेहरा बहुत फेमिलियर है, उसे देखकर किसी की याद आ रही थी मोनिका को. अब जब सब कुछ क्लियर हो ही चुका था तो वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती भी हो जाती है. एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों तो रोज एक साथ हैंगआउट भी करने लगते हैं. इसी बीच एना के साथ एक और हादसा होता है. एक रात घर लौटने के बाद उसे अपने दरवाजे पे एक एनवलप मिलता है ब्लैक कलर का. अंदर एक कागज पे लिखा था, आई एम वॉचिंग यू. अब ये किसी दोस्त का मजाक नहीं हो सकता था क्योंकि एना की ऐसी कोई दोस्त थी ही नहीं. ऊपर से इस हादसे के बाद से उसे सच में ही फील होने लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है. उसे सच में चिंता होने लगी थी. वो ये बात मोनिका से भी शेयर करती है और मोनिका एक झटके में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है. क्यों ना वो उसके साथ उसके फ्लैट में शिफ्ट कर जाए, वहां वो स्टॉकर उसे ढूंढ नहीं पाएगा. एना पहले तो राजी नहीं होती, ऐसे बिना रेंट के किसी के घर में जाके रहना उसे ठीक नहीं लगता, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मोनिका भी काफी फोर्स कर रही थी. तो अगले दिन ही एना शिफ्ट कर जाती है और वहां सच में वो ज्यादा सेफ फील करने लगती है. मोनिका से उसकी दोस्ती भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, इतना कि वो लोग पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे थे. हमें पता चलता है मोनिका की एक बहन थी कमीला नाम से, जिसकी कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई. एना बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और तो और उसका बर्ताव भी कैमिला जैसी ही है. इसीलिए तो मोनिका उसे इतना पसंद करती है, अपना बहन मानती है उसे. दूसरी तरफ एना खुद भी अपने लाइफ के ट्रेजेडी से डील कर रही थी. उसकी माँ एक अल्कोहलिक है, हर दिन नए नए बॉयफ्रेंड को घर ले आती है. परिवार किसे कहते हैं ये तो एना को पता ही नहीं. ऐसे में मोनिका की कंपनी उसे पसंद आने लगी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. मगर इसी बीच एक दिन उसे एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है, ये वही स्टॉकर था. उसके बातों से एना को लगता है कि वो जरूर उसके आसपास ही है, उसे देख पा रहा है, लेकिन ढूंढने पर भी उसे कोई नहीं दिखता. उसके बाद ही अचानक से कहीं से केविन उसके सामने आ जाता है. एना से बात करने लगता है और उससे उसका नंबर भी पूछता है, लेकिन एना को उल्टा शक होता है, कहीं ये बंदा है उसका स्टॉकर तो नहीं. तो वो उसे इग्नोर करती है, मगर जैसे ही वो घर पहुंचती है दरवाजे पर उसे मिलता है फिर से एक ब्लैक एनवलप. इसके अंदर एक फोटो थी एना की, वो भी उसके इनरवेयर में. मतलब यहाँ भी वो सेफ नहीं है. इस बार मोनिका भी काफी टेंशन में पड़ जाती है. पुलिस को बताने से कुछ नहीं होगा ये उन्हें पता था, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन जाने की सोचती है, फॉलब्रुक. जब तक वो लोग वापस आएंगे तब तक उस बंदे ने जरूर अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढ लिया होगा. वो लोग अगले दिन ही निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं फॉलब्रुक. एना की मुलाकात होती है मोनिका के पेरेंट्स पीटर एंड ओलिविया जेंसन से. वो लोग एना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, खूब ख्याल रखते हैं उसका, बिल्कुल अपने बेटी की तरह. इवन इसे कमीला का कमरा भी दिया जाता है रहने के लिए. कुछ दिन बिल्कुल सपने की तरह बीतता है वहां पर.
है ना बेसिकली एक कंट्री गर्ल है, इसीलिए उसे ये जगह और ज्यादा पसंद आती है। ओलिविया और पीटर तो उसे इतना पैपर कर रहे थे कि हैना को फील ही नहीं होता कि ये उसका घर नहीं है। इसी बीच एक हादसा होता है। एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान हैना गलती से एक दूसरे प्रॉपर्टी में घुस जाती है, और जब वो कहती है कि वो मोनिका की दोस्त है, घर की मालकिन जेल्डा उसे बहुत ही रूडली वहां से जाने के लिए कह देती है। हैना को मामला कुछ समझ नहीं आता। मोनिका ने कहा था यहाँ पर सभी बहुत मिलजुल कर रहते हैं, तो ये क्या था? बाद में उसे पता चलता है वो लेडी असल में जेल्डा थी, कमीला के बेस्ट फ्रेंड ग्रेटा की माँ। उस एक्सीडेंट के रात गाड़ी में कमीला के साथ ग्रेटा भी थी। एक्सीडेंट में कमीला तो जलकर राख हो गए, मगर ग्रेटा की लाश कभी नहीं मिली। सबको लगता है जरूर घायल हालत में वो खुद को बचाने के लिए जंगल में घुस गई होगी और ठंड में उसकी मौत हो गई। उसके बाद जरूर जंगली जानवरों ने उसके लाश को खा लिया होगा। बेचारी जेल्डा, ग्रेटा के सिवा और उसका था ही कौन। तो उसके मौत के लिए वो कमीला के परिवार को दोषी मानती है, इसीलिए उनसे खफा है। इसके कुछ दिन बाद हैना के साथ एक और हादसा होता है। उसे फिर से मैसेज आता है उस स्टॉकर का, और फिर रात में उसे ऐसा भी लगता है कि घर के बाहर कोई खड़ा है, मगर जब पीछे जाकर चेक करते हैं उन्हें कोई नहीं दिखता। उनके बातों से हमें पता चलता है वो हैना को काफी पसंद करने लगे थे। इनफैक्ट वो तो ये तक कहते हैं कि उसने मोनिका को बदल दिया है। ट्रूली शी इज सच अ गुड गर्ल। अगले दिन हैना मोनिका को वो मैसेज दिखाती है और रात वाली बात भी शेयर करती है, मगर मोनिका उसे अश्योर करती है यहाँ वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ उसके पापा है ना, उनकी काफी जान पहचान है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। उस दिन मोनिका और हैना ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है शेरिफ ईडन से। वो पीटर के चाइल्डहुड फ्रेंड है। दूसरी तरफ जब हैना अकेले कॉफी लाने जाती है तो उसे एक वियर्ड एक्सपीरियंस होता है। वहां जो लेडी थी वो मोनिका के फैमिली को जानती थी, कमीला के डेथ के बारे में भी। वो अचानक हैना से कहती है कि शहर में ये रूमर है कि वो परिवार कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था, और उनके हाथ से बचने के लिए ही उस दिन कमीला भाग रही थी। हैना मोनिका से इस बारे में कुछ नहीं कहती। दोनों शॉपिंग कंप्लीट करके कार में सामान लोड करते रहते कि ठीक तभी पीछे से केविन उन्हें आवाज देता है। उसे अचानक वहां देखकर हैना का शक फिर से ताजा हो जाता है। वो यहां भी पहुंच गया। गुस्से में वो केविन से बात नहीं करती, लेकिन उसके जाने के बाद मोनिका बताती है ये जगह केविन का भी होम टाउन है। आजकल उसकी माँ की तबीयत काफी खराब रहती है, इसीलिए उसे भी फ्रीक्वेंटली उन्हें विजिट करना पड़ता है, तो इसमें शक करने की क्या बात है। सब कुछ जानकर हैना को बहुत खराब लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो केविन को कॉल करके माफी मांग लेगी, इसीलिए मोनिका से उसका नंबर भी लेती है। लेकिन जब उससे बात करने जाती है तो पीटर आ जाते हैं कमरे में। हैना बिजी है फोन पर बात कर रही है, ये देखकर भी उसे कोई प्राइवेसी नहीं देते, उल्टा हैना को ही कॉल काटना पड़ता है। साथ में पीटर उसे मॉरल लेसन देने भी लग जाते हैं, एक अच्छी लड़की को क्या करना चाहिए क्या नहीं। हैना उनका कंसर्न समझ पा रही थी, लेकिन वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, ना ही उनकी अपनी बेटी है, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। ऊपर से पीटर उसे किचन में जाके ओलिविया की हेल्प करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि एक अच्छी लड़की यही करती है। हैना जाती तो है, मगर उनका बर्ताव बहुत ही ऑड लगता है उसे। वो इस बारे में केविन को भी बताती है, और तब भी हम पीटर को देखते हैं उस पर छुपके से नजर रखते हुए। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था हैना का किसी लड़के से बात करना। शायद वो हैना और कमीला की सिमिलरिटी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले चुके थे। उधर जब हैना फाइनली किचन में जा पहुंचती है, वहां ओलिविया भी उसके साथ अजीब बिहेव करने लगती है। वो उसे कमीला बुलाने लगती है। पीटर आकर उन्हें संभालते हैं और उनके तबीयत खराब होने का बहाना देकर उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। अभी हैना को ही सब कुछ करना होगा। रात में गेस्ट आने वाले हैं, बहुत कुछ पकाना है। वो समझ ही नहीं पाती कैसे क्या करे। मोनिका भी घर में नहीं है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी वो। ऐसे में हैना को ही अकेले सब कुछ संभालना पड़ता है। ओलिविया उसे एक बार भी मना नहीं करती, एज इफ वो भी यही चाहती थी। जैसे तैसे हैना सब कुछ मैनेज कर लेती है, और सारे गेस्ट खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। गेस्ट मतलब शेरिफ ईटन और उनका परिवार। हैना जाती है उनकी बेटी लुसील से बात करने, मगर वो कुछ सहमी सहमी सी लग रही थी, एज इफ डरी हुई हो। खाते वक्त मेनली ईटन और पीटर ही बात कर रहे थे, उनकी वाइफ और बेटी पूरा समय चुप रही।
और उनका कन्वर्सेशन भी काफी वियर्ड था। उनकी हर बात घूम फिर कर एक ही टॉपिक पे आ रही थी कि एक अच्छी लड़की को कैसे बिहेव करना चाहिए, एज इफ ये लोग ऑब्सेस्ड है इस टॉपिक को लेकर। लुसेल तब कुछ नहीं कहती, मगर जैसे उसे मौका मिलता है, कमरा खाली होता है, वो छुपके से ऐना से कहती है, भाग जाओ यहाँ से। ऐना कुछ समझ नहीं पाती। बाद में जब वो मोनिका से ये बात शेयर करती है, वो बताती है कि लुसेल को कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं है, तो उसके बात पे गौर करने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड केविन भी ऐना को लेकर कंसर्न था, उसे स्ट्रेस में देख के वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। ऐना मन ही मन केविन को पसंद करने लगी थी तो वो मना नहीं करती, जाती है और एक बहुत अच्छा वक्त बिताती है। वो लोग ऑफिशियली डेट करने लगे थे फाइनली। मगर जब ऐना घर वापस आती है, उसे दिखता है पीटर उसके कमरे में बैठकर उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत नाराज हो चुके थे वो, बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं वो ऐना को, ऐना ऐसे कैसे कर सकती है, शर्म आनी चाहिए उसे। साथ में पीटर उसे ये भी याद दिलाते हैं कि ये घर उसका है, यहाँ पर ऐना को उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, एक अच्छी लड़की की तरह रहना होगा उसे। ऐना बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है उनके बातों से, उसे इंसल्टेड फील हो रहा था, इतना सब कहने का हक किसने दिया उन्हें। अगले दिन ही वो मोनिका से घर जाने की बात करती है, बस प्रॉब्लम ये थी कि उनकी गाड़ी खराब हो रखी थी और यहाँ कोई कैब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मोनिका उसी वक्त निकल पड़ती है गैराज के तरफ, साथ में पीटर भी जाते हैं। इधर घर में ओलिविया आती है ऐना से बात करने, उसे समझाने, उसे कन्विंस करने कि वो और कुछ दिन यहाँ पर रुक जाए, लेकिन ऐना ध्यान नहीं देती उनके बातों पर, अपना काम करने लगती है। उसे एक पेन की जरूरत थी तो वो मोनिका के रूम में ढूंढने जाती है। ड्रॉयर में उसे पेन तो मिल जाता है, साथ में एक एनवेलप भी दिखता है काले रंग का, जिसे खोलने पर ऐना को मिलती है एक चिट्ठी जो कमीला ने घर से निकलते वक्त मोनिका के लिए रखी थी। पता चलता है वह सच में घर से भाग रही थी पीटर के ओवर प्रोटेक्टिवनेस से परेशान होकर। उसने कमीला को घर में बंदी बनाकर रखा था, दरवाजे पे ताला लगा दिया था। कमीला और सह नहीं कर पा रही थी, उसे डर था उसकी हालत भी लुसेल जैसी हो जाएगी, इसीलिए ही वो घर से भागने की कोशिश करी थी। ऐना ऑलरेडी फील कर पा रही थी उस पर कितना ज्यादा प्रेशर रहा होगा, वो खुद भी डर से सहम चुकी थी, लेकिन और नहीं, वो भागने की डिसाइड करती है। तभी ओलिविया आती है और उसे खाना देती है, साथ में दूध पीने के लिए भी फोर्स करने लगती है। ऐना को शक होता है कहीं इसमें उन्होंने कुछ मिलाया तो नहीं है, तो वो कायदे से दूध को फेंक देती है और तबीयत खराब होने का बहाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद अपना सामान पैक करते वक्त वो कॉल करती है केविन को, अभी बस वो ही उसकी मदद कर सकता है। उसे सब कुछ बताकर उसे मिलने के लिए बुलाती है, उसे शहर तक लिफ्ट देने के लिए कहती है। केविन पहले तो यकीन नहीं करता, मोनिका का परिवार मेस्ड अप है उसे पता है, लेकिन मोनिका ये सब क्यों करेगी। फिर भी वो ऐना से मिलने के लिए राजी हो जाता है और उसे गाड़ी के ट्रंक में भर कर आगे बढ़ता है, जिससे रास्ते पर कोई उसे देख ना ले। मगर कुछ आगे जाते ही व्हाइट फेंस देखकर ऐना को शक होता है, केविन उसे फिर से मोनिका के घर ही क्यों ले जा रहा है। सामने पीटर, ईडन सब खड़े थे, ऐसे तो वो फंस जाएगी। ऐना चिल्लाने लगती है, अपने फोन से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। पीटर और ईडन फोर्सफुली उसे गाड़ी से उतारते हैं और इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है केविन भी इन लोगों से मिला हुआ है, वो असल में ईडन का बेटा है जो कभी कमीला को डेट किया करता था, और अभी ये सभी लोग ऐना को कमीला समझने लगे थे, इसीलिए ही तो वो ऐना के पीछे पड़ा था। नहीं, इनमें से कोई पागल नहीं है मोनिका के अलावा, वो सच में ही बीमार है, लेकिन बाकी सभी लोग ये सब कुछ डिलिबरेटली कर रहे हैं, सिर्फ कुछ भी करके उन्हें बस कमीला के वर्ड को पूरा करना है। एग्जैक्टली जैसे वो लोग कमीला को ट्रीट किया करते थे, उसे प्रोटेक्ट करने के बहाने उसके जिंदगी को कंट्रोल किया जाता था, जीना मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने, गुड गर्ल बनने के चक्कर में उसे उसकी आजादी छीन ली गई थी। ऐना के साथ भी सेम करते ही ये लोग। सेंस लौटने के बाद ऐना देखती है उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक्ड है, विंडो सील कर दिया गया है और साथ में उसका भी मेकओवर किया गया है। वो अभी बिल्कुल ऐना की तरह दिखती है, उसकी ड्रेस पहनी है उसने। कुछ देर बाद ओलिविया आती है खाना लेकर, जो कमीला को पसंद था वही खाना।
साथ में उसे एक पिल भी देती है, फोर्सफुली खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन एना छुपके से पिल को फेंक देती है और अगली बार जब ओलिविया अकेले खाना लेकर आती है वो उसे चकमा देकर भाग निकलती है। लेकिन पीटर के हाथ से बचना इतना आसान नहीं था। वो उसे पकड़ लेता है और डरा कर धमका कर फिर से घर में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में उसकी हेल्प करती है जेल्डा। वो पीटर को गन पॉइंट पे ले लेती है और एना को भागने के लिए कहती है। एना भी अब देर नहीं करती, निकल पड़ती है शहर की तरफ। उसे मोनिका से मिलना होगा, पता करना होगा उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। मोनिका उसे देखकर चौंकती तो है, मगर उसे पता था ये दिन जरूर आएगा, तो वो तैयार थी। अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो एना को फिर से मार कर बेहोश करने की कोशिश करती है, मगर इस बार एना उससे पहले उसे वार कर देती है। तब घर में आसपास के चीजों को देखकर उसे शक होता है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में दो लोग रह रहे हैं। उसे उसका जवाब कुछ ही सेकंड के अंदर मिल जाता है जब सामने आती है कमीला। हाँ, वो जिंदा थी, बस अपने परिवार से छुपने के लिए उसने मरने का नाटक किया था। असल में हुआ यह था कि उस रात एक्सीडेंट में ग्रेटा की मौत हुई थी, जलकर राख हुई थी वो। जेल्डा ने कमीला को बचा लिया था और सब कुछ ऐसे प्रेजेंट किया था एज इफ मौत कमीला की हुई है। उन्हें पता था उसके परिवार कैसा है, क्या क्या सहन करना पड़ता है कमीला को, इसीलिए उसे पनाह दिया। सिर्फ मोनिका को यह बात पता थी, तो उसने एक प्लान किया। उसे पता था उसके पेरेंट्स उससे खुश नहीं है, वो कभी भी उनके गुड गर्ल वाले डेफिनेशन में फिट ही नहीं हुई। कमीला थी उनकी फेवरेट। अब जब वो नहीं रही तो ये लोग उस पर प्रेशर डालने लगे थे कमीला की तरह बनने के लिए। ऐसे में उसने पीटर से एक डील किया कि अगर उसने उसे शहर जाने दिया तो वो वहां कमीला जैसी कोई लड़की ढूंढ निकालेगी, कोई ऐसी जो उनकी हर बात माने, जिसे वो कंट्रोल कर पाए। मोनिका को लगा नहीं था उन्हें कभी ऐसा कोई मिलेगा, लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है एना पर और वो सारा प्लान रेडी कर लेती है। उसे यह पता था कि एना के परिवार में उसे ढूंढने वाला कोई नहीं है। वो अगर अपने घर वापस नहीं भी लौटी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। मोनिका ने उसे बहला फुसला कर अपने घर भेज दिया और यहाँ उसके आइडेंटिटी से कमीला को ये देश छोड़ने के लिए रेडी करने लगी। दोनों दिखने में क्वाइट सेम थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन कमीला के पास तो एना का पासपोर्ट भी है और ठीक 3 घंटे बाद उसकी फ्लाइट भी है स्कॉटलैंड के लिए। वहां जाकर वो फिर से अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाली थी। उसे पता है ये गलत है, एना ये सब डिजर्व नहीं करती, लेकिन उसने ऑलरेडी इतना कुछ झेल लिया था कि फिर से उसी दुनिया में लौटने की उसकी हिम्मत नहीं रही। एना उसकी सारी बात सुनती है, कहीं ना कहीं वो उसे रिलेट कर पा रही थी। उसका अपना बचपन भी तो काफी मेस्ड अप रहा, वो उसी की तरह एक विक्टिम है। तो एना डिसीजन लेती है कि कमीला को वो जाने देगी। वो उसके पासपोर्ट से स्कॉटलैंड में जाकर रह सकती है। जब वो वहां सेटल हो जाएगी कुछ महीने बाद एना अपना पासपोर्ट मिसिंग कंप्लेन फाइल करेगी और फिर नए पासपोर्ट से वो खुद भी वापस चली जाएगी। तब तक यहाँ पर उसका कुछ काम है, उसे लुसील को बचाना है, जिसके लिए उसे सोशल सर्विस में कंप्लेन करना होगा। उसे आजाद किए बिना वो कहीं नहीं जाएगी। तो ये प्लान ही फाइनल होता है और कमीला निकल पड़ती है अपने मंजिल की तरफ। मोनिका बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल थी, लेकिन एना बदले में उससे एक फेवर मांगती है। वो डिसाइड करती है आज से वो इसी फ्लैट में रहेगी। मोनिका को कहीं और शिफ्ट करना होगा, मगर बिल्स उसके पिता ही देंगे। एटलीस्ट इतना तो वो कर ही सकती है ना। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी मुझे काफी थ्रिलिंग लगी और एंडिंग में क्वाइट सैटिस्फाइंग रहा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।